कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी और बंगाल का दिल। बरसों पुरानी संस्कृति और परंपरा को सहेजे एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तान के बीते हर दौर का गवाह रहा। इतिहास की झरोखे में बसा एक ऐसा शहर जो अपने में समेटे है बेशुमार गाथाएं। अंग्रेजों के जमाने से ही हमारे देश का सांस्कृतिक केंद्र रहा कोलकाता। यही वजह है कि कोलकाता आज की तारीख में एक अलग मकाम रखता है। एक ओर जहां कोलकाता नए आधुनिक भारत में अपनी पहचान रखता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और कई सौ सालों से चली आ रही मिली जुली संस्कृति और परंपराओं को भी सहेजना बखूबी जानता है। इसी एक सोच के साथ हमारा सफर शुरू होता है और ये एहसास तब और गहरा हो जाता है जब यहाँ की सड़कों से गुजरते हुए एक के बाद एक कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं और ये तमाम इमारतें बीते दौर की कहानी बयान कर जाती हैं। लेकिन अचानक इन सड़कों पर से गुजरते हुए नजर ठिठक जाती है। पूछने पर पता चलता है कि सड़क के दोनों तरफ बनी इमारतों को बो बैरिक्स के नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग सब बना बिटवीन सेवन बिल्डिंग्स है। एक एक लोग कंप्लीट होता था बिटवीन 1908 एंड 1912 पूरा सब कंप्लीट। ये तो बना ब्रिटिश मिलिट्री क्वार्टर्स के वास्ते, मिलिट्री ट्रूप्स। लेकिन कब रेडी हो गया वो लोग को कमांडर जी आके दिखाया जे ए रैंक वन रूम, ओ रैंक टू रूम, ओ रैंक थ्री रूम। वो लोग देख के बोला नहीं, हम लोग खुशी है फोर्ट विलियम में, हम लोग नहीं हटेगा, हम लोग के यहाँ नहीं आएगा। ये सब बिल्डिंग हम लोग नहीं चाहिए। तब CIT तो ब्रिटिश का था उस टाइम। CIT बोला अच्छा तब क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दे दो। वी आर हियर फ्रॉम माई फादर्स टाइम, माई ग्रैंड मदर वॉज अलाइव एट दैट टाइम, सो यू कुड से माई ग्रैंड मदर देन माई फादर टू वी थ्री फोर फाइव जनरेशन हैव बीन बॉर्न इन दिस होम। कोलकाता के दिल में बसे इस इलाके के बारे में अलग अलग मान्यता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को सहायता देने की गरज से जर्मन सैनिकों के रहने के लिए बनाई गई जगह है, तो कुछ लोगों का कहना रहा कि ये ब्रिटिश सैनिकों के रहने के लिए बनाई गई जगह है। इसके निर्माण को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। ये इधर एक कॉलोनी था, कॉलोनी, और हमारा काल में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही ये कॉलोनी उधर है। और इसका पूरा हिस्ट्री एंग्लो इंडियंस का बारे में जो है उसे 1932 ऐसा वगैरह जगह से ही एक कॉलोनी बनाया है। और एंग्लो इंडियंस ज़्यादातर अंग्रेजी लोगों के साथ, वो लोगों के साथ ही काम करता था।
लेकिन इन तमाम मतों के बीच इस ऐतिहासिक इमारत को मोटे तौर पर एक अनमोल विरासत कहा जाए तो गलत ना होगा। वो बैरक्स एंग्लो इंडियंस के लिए ही बनाया था। भारत में ब्रिटिश राज्य को खत्म हुए कई दशक बीत गए, लेकिन एंग्लो इंडियन की कॉलोनी के नाम से मशहूर इनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं बो बैरक्स की शक्ल में। बो बैरक्स की कहानी भी ऐसी ही है। आज की तारीख में भी इन घरों में इस समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की यादों को समेटे हुए हैं, जैसे इनके बिना इनकी जिंदगी ही नहीं। जापानीज एंड जर्मन प्लेन आता था, अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्लेन, ऊपर में डॉग फाइट होता था, हम लोग तो छिप के छत से देखता था। कोलकाता में बने बो बैरिक्स में रह रहे लोगों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। यहाँ के इस पूरे माहौल को देखकर ये एहसास होता है कि ये लोग अपने पूर्वजों की विरासत को समेट कर आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ इस बेहद खूबसूरत इलाके में, जिसे हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिए जाने की मांग यहाँ के लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आइए चलते। एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, दिल खोलकर खुशी से गले लगा दे ये लोग। आजादी से पहले कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख बंदरगाह होने की वजह से कई तरह की संस्कृतियों से रूबरू होता रहा। अंग्रेजों ने इसे अपने व्यापार का मुख्य बिंदु माना और उद्योग, आर्थिक, व्यवहारिक गतिविधियों के लिए विशेष जगह बनाई। इस दरमियान जर्मन सैनिक और ब्रिटिश मूल के लोग यहाँ रहने लगे और 1947 में अंग्रेजों ने जब भारत को अलविदा कहा तो उन्होंने वहाँ पश्चिमी मूल वाले मिली जुली नस्ल की करीब 3 लाख आबादी छोड़ी, जो कोलकाता के अलग अलग इलाकों में रहती थी, जिन्हें बाद में इस कॉलोनी में लाकर बसा दिया गया। ये कॉलोनी अपने आप में आज की तारीख में मिली जुली संस्कृति समेटे हुए है। बो बैरक अपने आप में इतिहास की कई यादों को सहेजे कोलकाता की मसरूफ जिंदगी के बीच एक अलग थलग इलाके की शक्ल में है, लेकिन ये सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बहुत से सैलानी इस जगह को खास तौर पर देखने आते हैं और बो बैरक्स में रहने वाले आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजे अपनी अगली पीढ़ी को बड़ी सहजता और खूबसूरती से आगे ले जा रहे हैं। The Pharisees heard that Jesus was making and baptizing more followers than John. वहीं यहाँ रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी अपने इस इलाके के इतिहास और अपनी परंपराओं को लेकर खासे उत्साहित हैं। We are just like one big family. कोई कुछ मुसीबत में गिर जाता है और there is a problem. Everybody will come out from wherever they can and help out in whichever manner. जिस मैनर से उन लोग को मैंने हेल्प कर सकता, हम लोग कर लेता है। बो बैरक्स की बनावट बरबस आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। सड़क के दोनों तरफ बनी ये लाल और हरी खिड़कियों वाली इमारत आपको बहुत ही पुराने जमाने की तरफ लेकर जाती है। बहुत से लोगों से बात करने पर इस इलाके की हमारी मालूमात में काफी कुछ इजाफा भी हुआ। बहुत से लोग इसे मिनी लंदन कहते हैं। तकरीबन 3 बीघे और लगभग 132 परिवारों में सिमटा हुआ ये इलाका लंदन की उन छोटी कॉलोनियों की याद दिला जाता है जिन्हें आज भी लंदन वासियों ने बड़े सहेज कर रखा है। लाल रंग की इस इमारत में हरे रंग के दरवाजे खिड़कियाँ कॉलोनियल इरा की याद को ताजा कर जाती है। आर्किटेक्चर यूनिक है, एक तो अर्बन फॉर्म में और बिल्डिंग के वे में भी, दोनों ही तरह से बहुत यूनिक है।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स में रेड कलर और ग्रीन कलर के विंडोज़ एक उसका आइडेंटिटी क्रिएट करता है। हम लोग का जो जितना सब यहाँ है इन 131 फ्लैट्स है यहाँ, हाँ, रेंजिंग टू रूम्स थ्री रूम्स वन रूम टू रूम थ्री रूम्स, हाँ, फ्लैट्स है यहाँ सब। एक एक फ्लैट में जितना हिस्सा है लेकिन ऑल नाउ जो हो गया, पहला खाली एंग्लो इंडियंस ज़्यादा ही रहता था, 100% ओनली एंग्लो इंडियंस, बट नाउ मैंने बहुत सा चला गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहाँ वहाँ सब चला गया, अभी जो है आर एब्सोल्युटली मिक्स्ड कल्चर। मिली जुली संस्कृतियों के बीच ये इलाका है बो बैरिक्स का। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए कोलकाता के बो बैरिक्स इलाके से हमारी ये खास पेशकश। अब ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, आप देख रहे हैं कोलकाता के दिल में बसे बो बैरिक्स इलाके से हमारी ये खास पेशकश। आज जहां संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, एकल परिवार का चलन ज्यादा हो चला है, वहीं बो बैरिक्स में रह रहे लोगों भी आज भी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने का समय है। अपने सफर में हमने उन लम्हों को जिया, अल्मदेरिया एक ऐसी जगह जहां पर बॉडी को एम्बाब करके रखे जाने की प्रथा कई सौ सालों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रिटिश सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें यहाँ पर रखा जाता था, उनके शरीर पर बाकायदा एक किस्म का लेप लगाया जाता था ताकि उनके घर तक पहुँचने तक उनके शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे और उनके अपने लोगों का अंतिम दर्शन कर सके। दिस इज क्वाइट ओल्ड बिकॉज आई एम हिटिंग 60 एंड इज डे बिफोर माय पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स एंड ऑल फ्रॉम हियर। नाउ वी प्रोसीड बाय वी गो बाय द लोकेलिटी वी गो टू चर्च We'll have service and then after that to the cemetery. Over here the body is preserved. As many as days that you want the thing and for it to proceed. 15 din, 1 mahina? No. The most is 7 days. सिलसिला आज तक जारी है। नानी को अलविदा कहने और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए विदेश में बसी उनकी नवासियां आ सके, इस करके नानी को इसी इम्बाब सेंटर में कई दिनों तक रखा गया। आज जब सब इकट्ठा हो गए हैं तो पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनकी अंतिम रस्म अदा की जा रही है। सबकी आंखें नम हैं और बो बैरिक्स के स्वर्णिम दौर के गवाह एक और हस्ती ने आज विदा ली है। आज भी वो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, शरीक होते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। जरा सोचिए जहाँ हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर दर्शन साहित्य और जीवन से जुड़ी बातों पर गौर करते हो, वहाँ बातचीत का लबोलुआब किस स्तर का होगा। सारी इंडिया का सब कम्युनिटी
कलकत्ता में अभी भी है। वो लोग सब इधर अच्छा से अच्छा रिलेशन से कलकत्ता में है। इधर ये कम्युनिटी का बारे में वो लोग कभी भी कुछ झगड़ा ऐसा वगैरह कभी भी कुछ हुआ नहीं है। दोपहरिक इलाके में रहने वाले कोलकाता वासियों के प्रिय खेल फुटबॉल और हॉकी में भी वो पीछे नहीं रहे। इस इलाके ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भी दिए। As days have passed and for us Christians as an Anglo-Indians as being a minority community, I have observed, मैंने देखा है कि employment opportunities, opportunities for certain other privileges, we have been deprived of that in a great way. We have no idea of how to avail these facilities. हमारे कुछ idea नहीं है कि हम ऐसे opportunities या ऐसे services को कैसे avail कर सके। वो बैरिक्स में रहने वाले बहुत से लोग अपने खास खान पान के लिए भी मशहूर हैं। इसी के साथ वो बैरिक में मौजूद प्रार्थना स्थल जो बहुत से लोगों के लिए अकीदत के इजहार की जगह है, हर शाम यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना के साथ सुख दुख भी साझा करते हैं। The only idea of having this as a heritage property for us, for Bow Barracks, we have a lot of talented people in Bow Barracks who are experts in cooking, tailoring, cake making, homemade cookies, and whatever you can think of. It could be knitting. So if we have them all sitting together, we can open a small, you know, sort of income generation scheme for them where they could sit and make all this. And for the families, the poor and needy families, it could be an income for all of them. So my message is to request the heritage committee to try as much as possible to get our Bow Barracks recognized as a heritage committee building. That is the best thing we can think of. इसीलिए बहुत से सैलानी इस इलाके को देखने हर साल आते हैं और यहाँ के क्रिसमस की तो गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई देती है। दिसंबर के महीने में बो बैरिक्स का एक अलग ही रंग दिखता है। यहाँ क्रिसमस के दौरान ये पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों से नहा जाता है, सेंटा क्लॉज से लेकर क्रिसमस ट्री, और बच्चों की चहल पहल एक अलग ही समा बांध जाती है। गीत संगीत में पूरा माहौल सराबोर हो जाता है। और वो भी क्यों ना, जिंदगी का हासिल चंद खुशियां ही तो हैं, और वो बैरिक्स में रहने वाले इसे बखूबी जानते हैं। जमाने में इस क्लब की शान शौकत देखते ही बनती थी, लेकिन वक्त के साथ और संसाधनों की कमी के चलते ये भी अब नाम की वजह से चल रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि 25 दिसंबर में बो बैरिक्स इज प्रॉबली हाइलाइटेड एज वन ऑफ द मोस्ट फेस्टिव places all over Calcutta. Wherever you see, in all senses of media, you will see Bow Barracks is highlighted during the festive season of Christmas and New Year. Uske baad koi mane there is we can say there's nothing is seen to Bow Barracks. The maintenance, nothing is seen.
people just forget about it. Just thinking about the festive mood, they come. But after that, it's like long lost and forgotten, if we may say. कुछ साल पहले के मुकाबले आज स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। एक वक्त यहां जबरदस्त चहल पहल रहती थी, लेकिन हाल के सालों में खासकर युवाओं के रोजगार की तलाश में पश्चिमी देशों में पलायन की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे रोजगार में कमी लाजिम सी बात है। अब बचे कुचे लोग भी बेहतर मौकों की तलाश में हैं। You can educate yourself here, but where you get jobs? People are graduates and can't get a job. My son is a graduate, he can't get a job. Then my son is in Dubai. पहले इस इलाके की रौनक कुछ और थी। ये इलाका कहीं न कहीं प्रशासन की बेरुखी का शिकार है। दशकों पुरानी इन इमारतों को रख रखाव की जरूरत है। इमारत के ढांचे पर भी ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है। बो बैरिक इमारत का रखरखाव भी चिंता का विषय है। जर्जर होते घर, टूटी पाइपलाइंस, सीवेज सिस्टम की बिगड़ती हालत, टूटी फूटी सीढ़ियां और साफ सफाई के नाम पर सप्ताह में एक बार सफाई कर्मी का आना, ये तमाम बातें कहीं न कहीं प्रशासन की बेरुखी की ओर इशारा करती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि बहुत सी इमारतों की तरह इसे भी हेरिटेज बिल्डिंग में शामिल किया जाए। तो हम सरकार से और आप लोग से भी गुजारिश करेंगे कि सरकार तक ये बात पहुँचाएं कि इसको हेरिटेज घोषणा करे और इसकी रख रखाव सही ढंग से। We are trying to make it into heritage. My grandmother was born here. My mother's born here. My great grandmother was living here. So a lot of people tried to come and help us and do things like that. But there were a lot of disputes, so nothing could be done. So everything just went flat. वहीं कई दशकों के बीच जाने पर ये इलाका कई बुनियादी जरूरतों और सहूलियतों के पूरा हो जाने की राह देख रहा है। Water problem, drainage problem. The improvement trust is not accepting rent from them for how many years? How many years? I think more than 20 years. I think so. Oh. Because they want to demolish the building. Okay. Hmm. Why they want to demolish this building? Because this is primary. No, they want to make it some other government building. Must be coming up with some underground parking space and all that. Mm-hmm. All that sort of a thing. That's what I'm hearing. But the people are living here for many, many years. Our forefathers have been staying over here and they've all lived very happily over here. With the maintenance was being done at that time by the Calcutta Improvement Trust. But of late, of the last couple of years, we've been neglected. There's no maintenance done by the Calcutta Improvement Trust. And we are doing the best what we can do through our own income generation. And we would request everyone from the locality and everyone that is with Bo Barracks to try and keep the locality clean. They want to abolish this place. It's central, no? They want to build, they'll get more money and everything. See the area of this place. Because they're not taking rent, so they don't give us the facilities. We have only one sweeper sweeping the area. Just one. Before we used to have three sweepers sweeping in front, sweeping at the back, everything. Sweep all the blocks. But now they're not doing anything. Now we only have one sweeper which is coming once a week to our flats and sweeping the full corridor. बेशक बो बैरिक किसी धरोहर से कम नहीं है। इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है, ताकि इस इलाके के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी मुहैया कराया जा सके। यहाँ के निवासी खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। जरूरत है कि इनकी तरफ हम दो कदम बढ़ाएं, ताकि ये अपनी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें। तो अब की बार जब आप कोलकाता आएं, तो बहू बाजार के ठीक पीछे इस खूबसूरत बिल्डिंग, या यूं कहें कि एक बेहद पुरानी हेरिटेज के तौर पर देखी जाने वाली बिल्डिंग बो बैरिक्स के इलाके को देखना नहीं भूलिए। यहाँ आकर आपको यकीनन उन पुराने दिनों की याद ताज़ा हो जाएगी, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ किताबों में पढ़ते रहे।